व्यूअर, आज मैं आपके लिए लाई हूँ वरूले, अलीगढ़ के फेमस वरूले अलीगढ़ स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेना है यहाँ पर आपको लेना है आलू, आलू को हम बॉईल कर लेंगे। आलू जितने आप वरूले खाना चाहते हैं उतने आप ले सकते हैं। और इसको मैंने कर लिया दो दो पीसेस। अगर आपके पास बेबी पोटैटो है तो आप उसको बिल्कुल भी दो पीसेस में ना करें और उसी तरह से ले लें। और ये आलू लेने हैं आपको छिलके के साथ, छिलका इसका नहीं हटाना है। तो मैंने यहाँ पर आलू बॉईल कर लिया है। आलू बॉईल करने के बाद मैंने इसमें गरम गरम आलूओं में ही दो चम्मच मैंने यहाँ पे बेसन ऐड किया है। बेसन एक अच्छी कोटिंग के लिए और एक अच्छे फ्लेवर के लिए। यहाँ पे ऐड करा है एक चम्मच और नमक, मैंने नमक स्वाद अनुसार सफ़ेद नमक और ये दो चुटकी मैंने काला नमक भी ऐड किया है। इसी के आगे हम ऐड करेंगे इसमें दो चुटकी रेड पाउडर, फूड पाउडर है ये रेड कलर का। और तीन चम्मच मैंने यहाँ पे ऐड किया है इसमें दही। दही से बहुत अच्छा स्वाद आता है, खटास खट्टी खट्टी तो बहुत अच्छा लगता है ये। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ मेरा बाउल छोटा पड़ गया था तो मैंने एक बड़े से बाउल में इसको ट्रांसफ़र किया। ये स्टेप ज़रूरी नहीं है आपके लिए, ये मेरे साथ ऐसा हो गया था तो मुझे करना पड़ा। तो इसी के साथ हम देखिए इसमें कितना अच्छा कलर आया है। हम इसमें ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर अपने स्वाद अनुसार, आप कम ज़्यादा जो भी खाना चाहते हैं इसे कम भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मेरे पास पड़ा था पिज़्ज़ा के साथ जो चिली फ्लेक्स आता है वो भी मैंने इसमें ऐड कर लिया है। थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ी सी खटाई। तो बस इसको अच्छे से मिक्स करके हम रख देंगे आधे घंटे के लिए। इसी के साथ यूज़ होने वाली चटनी का भी हम बना लेंगे, तैयारी कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने लिए हैं 6 से 7 हरी मिर्चें, 3 से 4 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, आधा नींबू, 1 टमाटर, थोड़ी सी धनिया, आधा चम्मच काला नमक, आधा चम्मच सफ़ेद नमक। इसकी हम बारीक हरी चटनी तैयार कर लेंगे। और चटनी से ये वरूले वाह बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो प्लीज़ आप भी इस चटनी को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, ज़रूर बनाइएगा इसके साथ। और तो फिर देरी किस बात की, अब चलते हैं हम चेक कर लेते हैं तैयार वरूले। वरूले फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल गर्म होने रख दिया है। इसको हमें मीडियम आंच पे अच्छे से थोड़ा सा गर्म कर लेना है, ठंडे तेल में बिल्कुल मत डालिएगा। और बस इसमें हम वरूले के आलू छोड़ देंगे। तो ये देखिए जो हमने बेसन और दही डाला था उससे एक आलूओं पे एक अच्छी कोटिंग है, उस कोटिंग से बहुत ही अच्छा स्वाद आता है और देखने में भी बहुत ही प्यारे लगते हैं। इसी के कारण ये होते हैं और भी ज़्यादा कुरकुरे। तो एक एक करके मैंने आधे वरूले के आलू कम से कम इसमें डाल दिए हैं, आधे बचेंगे तो मैं सेकेंड स्टेप में उनको भी डाल दूँगी। तो ये देखिए तेज आंच में हमारे आलू कैसे उबल रहे हैं, कुरकुरे हो रहे हैं। तो देखिए वरूले हमारे लगभग तैयार हैं, हम इनको और पलट के अच्छे से तैयार कर लेंगे। और फ्राई करते समय ध्यान रखें कि हम मीडियम आंच रखें। तो मैंने फ्राई करके निकाल लिए हैं। यदि आप शाम के समय खाना चाहते हैं और दोपहर में आपने वरूले तैयार करें तो इसी तरह से इन आलूओं को रख सकते हैं। यहाँ मैंने फोक से सब आलूओं को थोड़ा थोड़ा तोड़ दिया है, क्यों, क्योंकि मैं सेकेंड फ्राई करूँगी और क्रिस्पी होने के लिए। और इसी तरह से वरूले भी मार्केट में इसी तरह से आपको मिलेंगे सेकेंड फ्राई में। तो देखिए हमने फोड़ कर और फिर से फ्राई करना है। तो मैंने दूसरी कढ़ाई यहाँ ली, दूसरा रिफाइंड ऑयल लिया है, तो हम इसमें फ्राई कर लेंगे क्योंकि पहली वाली कढ़ाई में मैंने बाकी के बचे वरूले के आलू उसमें डाल दिए, क्योंकि वो भी फ्राई हो जाएंगे तो एक साथ सारे वरूले मेरे तैयार हो जाएंगे। तो इसको भी हम कुरकुरे होने तक फ्राई कर लेंगे। ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि हमारे वरूले एक बार फ्राई हो चुके हैं, तो वरूले अब दोबारा ज़्यादा फ्राई नहीं करने, केवल क्रिस्पी करने। तो ये देखिए क्रिस्पी हो गए। मैं यहाँ पे स्टॉल ही स्टाइल में आपको सर्व करूँगी। तो मैंने यहाँ पे लिए एक डिस्पोजल प्लेट, प्लेट में ही सारे वरूले मैंने इस तरह से लगा लिए हैं। अब इसके साथ कोई चमत्कारी चटनी सर्व करनी है तो इसके ऊपर हम डालेंगे हरी चटनी। हरी चटनी के साथ ये वरूले बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो इस तरह से देखिए इस पर डाल दीजिए पूरे वरूलों पर हरी चटनी। मैंने इसका स्वाद बढ़ाने के लिए एक चीज़ यहाँ पे और ट्राई करी है, अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप भी ट्राई कीजिएगा। मैंने इसके साथ यहाँ पर डाला है दही। तो ये दही डालने से और भी खट्टे तीखे मीठे बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो प्लीज़ आप भी एक बार ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और अपनी किचन में बनाइएगा। आपको ये स्वाद कैसा लगा मुझे ज़रूर शेयर करिएगा। और इसी तरह से खाइए, बनाइए, खिलाइए, बहुत ही अच्छा लगता है। यदि मेरे आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।